तो अब ये सेकंड मेन हेडिंग जो है इसका नाम है मोनोपॉली, मोनोपॉली। तो मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, और पॉली, पॉली का मतलब सेलर। तो मोनोपॉली बेसिकली इसीलिए वर्ड पड़ गया, क्योंकि मोनो मतलब सिंगल या वन और पॉली मतलब सेलर। तो इसमें लिखते हैं बातें, फर्स्ट एरो डाल के, मोनोपॉली मीन्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अलोन टू सेल। मोनोपॉली मीन्स अलोन, मतलब आप अकेले हो, टू सेल बेचने के लिए, तो मतलब पूरे बाजार में बस आपकी दुकान है। सेकंड पॉइंट हेयर, फर्म एंड इंडस्ट्री इज वन एंड द सेम थिंग। यहां पर फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात है, तो ये समझ गए क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री किसे बोलते हैं हम? ग्रुप्स ऑफ फर्म को। तो यहाँ पर तो ग्रुप अगर हम बनाएंगे तो ग्रुप के अंदर एक ही फर्म रहेगी ना बस, तो चाहे वो एक कह लो, अकेला फर्म कह लो या इंडस्ट्री कह लो, तो एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर तो फर्म ही एक है, तो फिर इंडस्ट्री या फर्म एक ही बात हो गई। अच्छा, अब उसके नीचे आप हेडिंग डालना फीचर्स। तो अब हम कुछ फीचर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं बातें, ताकि उनका हर फीचर का एनालिसिस सोच पाएँ। बाकी मोनोपॉली के बारे में मैं फिर बता देता हूँ। मोनोपॉली जो है ये भी जैसे हाइपोथेटिकल बिल्कुल है, तो आप बहुत ज़्यादा इसके ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं सोच सकते या देख सकते कि आपको लगेगा कि आम जीवन में हमें मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही एक्सट्रीम सा एक वियर्ड सा एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे कि भाई चलो इंडियन रेलवेज। तो ऐसा नहीं है कि सारे फीचर मैच करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि ये ही मोनोपॉली ही है, लेकिन चलो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। क्योंकि अगर आपको भारत में ये रेल यात्रा करनी हो, है ना, तो इंडियन रेलवेज ही एकमात्र तरीका है ना। बाकी कोई प्राइवेट रेल पटरी नहीं लगा के अपनी रेलगाड़ियाँ चला रहा है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मुकेश अंबानी जी ने कहा कि चलो भाई यहाँ से यहाँ तक, मुंबई से गुजरात की इस रेलगाड़ी को मैं चलवा रहा हूँ। कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें नहीं है, तो हम ऐसे ही इसको मान लेते हैं मोनोपॉली कि भाई एक एक ही सेलर है। तो फीचर्स में लिखते हैं नंबर वन, पहला फीचर सिंगल सेलर। तो इसमें आप दो लाइन छोड़ लो। नंबर टू, रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री, इसमें कोई लाइन मत छोड़ो। नंबर थ्री, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो पहले हम ये तीन बातें करेंगे डिस्कस। तो पहले पे आते हैं सिंगल सेलर। तो अब सिंगल सेलर का मतलब तो खैर आपको वैसे तो मतलब तो पता है कि सिंगल सेलर मतलब अकेला सेलर, तो हमें मतलब नहीं अब करना डिस्कस। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब अगर आप पूरे मार्केट में अकेले हो, आप ही अकेले सेलर हो, सारे ग्राहक आपसे सामान खरीदते हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मनमर्जी। अब आप इसको साथ साथ परफेक्ट वाले से कंपेयर करते रहना। तो परफेक्ट में जब हमने पहला फीचर लिखा था, तो लिखा था कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो उसमें हमने ये लिखा था कि एक अकेला बायर या एक अकेला सेलर तो बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये सिंगल सेलर है, अकेला बेचने वाला है, तो आपने आज कहा कि आज दुकान बंद, तो फिर क्या होगा? एक तरह से मार्केट में सप्लाई जीरो हो जाएगी ना। तो आप अगर सिंगल सेलर हो, तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, है ना। तो बस यही बात इसमें मतलब लिखनी है। तो सिंगल सेलर के आगे आप डैश डाल के लिख सकते हो प्राइस मेकर, है ना। तो आप बादल बना सकते हो, प्राइस मेकर, दैट इज सब्सटेंशियल कंट्रोल
दैट इज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर सप्लाई, क्योंकि सप्लाई के ऊपर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो आप प्राइस मेकर हो। इनफैक्ट मतलब सिंगल सेलर हो तो कह सकते हैं पूरा कंट्रोल है, तो आपने दुकान बंद कर दी तो मार्केट में सप्लाई भी जीरो हो जाएगी, तो आप काफी कंट्रोल करते हो, इसीलिए यहां पर आप जो हो वो प्राइस मेकर हो, ठीक है ना। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री, तो ये तो बहुत सिंपल बात है, हालांकि आगे भी इस पर एक अलग से टॉपिक आएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि चलो हम भी अपनी अब रेल पटरियां लगाएंगे, ट्यूशन से घर तक की एक रेलगाड़ी में आया करेंगे, तो आप इसमें इस मार्केट में आप एंटर नहीं कर सकते ना, तो इस मार्केट में एंटर बहुत मुश्किल है या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि मोनोपोली में जो एक बड़ा सेलर अकेला होता है वो किसी नए को आने भी नहीं देता, और ये हम वैसे आगे भी पढ़ेंगे। तो इस मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल है, तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। और तीसरा फीचर इसको बहुत खास बनाता है, इस पर आप स्टार लगा लो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो ये इसकी खासियत है। अब अगर आपको रेल से यात्रा करनी है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई इंडियन रेलवे से ही टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो आपके पास इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। अब या तो फिर हवाई यातायात पकड़ोगे आप, या पैदल जाओगे, बस से जाओगे, कैसे भी जाओगे, लेकिन रेलगाड़ी का वो मज़ा तो नहीं मिलेगा ना आपको वहाँ पे, तो इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ये इसकी खासियत होती है मोनोपोली में कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इसकी वजह से बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसके नीचे पहला एरो डाल के लिखना है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज क्या, जीरो। तो ये आपका एक एमसीक्यू ये बन गया। तो मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, वो जीरो होती है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी मुझे पता है कि आपको नहीं पता, आप भूल चुके होंगे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी ये होता था जिसमें हमारी क्वांटिटी में चेंज होता था ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड प्रोडक्ट, और रिलेटेड मतलब मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो यहाँ पर हम जो क्रॉस इलास्टिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड की संदर्भ में यूज़ कर रहे हैं या रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री से कोई मतलब नहीं। तो अब जब यहाँ का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो इस प्रोडक्ट में कोई चेंज आने का मतलब कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इसका जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, या यूं कह लो इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट एक तरह से बेकार ही हो गया ना, या चलेगा ही नहीं सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कह देते हैं कि यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है, जीरो का मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो समझ आ गया पॉइंट, क्योंकि इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता। सेकंड, ये आपको बुद्धि लगानी है, डिमांड कर्व या ब्रैकेट में और AR कर्व इज, तो डिमांड कर्व आपको बताना है, हालांकि मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है आप बुद्धि नहीं लगा पाओगे तो मुझे ही लिखवाना पड़ेगा वैसे तो। तो डिमांड कर्व या AR कर्व इज, तो लिख ही लो, नेगेटिवली स्लोप्ड, और बड़ा बड़ा लिखना है, स्टीपर कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड स्टीपर कर्व, और रिप्रेजेंट कर लेते हैं बनाकर। तो नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल सही, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और स्टीपर का मतलब, तो स्टीपर होता है ऐसा, वैसा वाला जो होता है वो होता है फ्लैटर। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है बहुत ज़्यादा, है ना, उसको हम लॉजिकली भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूँ, तो मेरे 1000 यूनिट्स बिकते हैं, ठीक है, मैं 100 रुपये का सामान बेचता हूँ
तो मेरे 1000 यूनिट्स बिक जाते हैं। अब मैं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ यहाँ का, मतलब मोनोपोली है मेरी, यानी कि पूरे मार्केट में सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो मैं तो कुछ भी प्राइस ले सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अब ग्राहकों को लूटते हैं, इन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं। तो मैंने दाम बढ़ा दिए, मान लेते हैं 200% बढ़ा दिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैंने दामों को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया। तो मतलब देख रहे हो कि मैं क्या क्या एक्सप्लॉयट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिए। तो मेरे इतने ज़्यादा दामों को बढ़ाने के बावजूद भी मेरे, पता है कितने डब्बे बिक रहे हैं? 980 यूनिट्स। यानी कि क्वांटिटी में फिर भी प्रभाव बहुत ना के बराबर पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ से खरीदोगे डब्बे? मैं तो 300 का बेचूंगा, आप कर लो जो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मोनोपोली में जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? इन इलास्टिक होती है। परफेक्ट। तो ये इसका मेन मतलब बादल बन जाएगा। तो यहाँ पर मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, बिल्कुल सही, इन इलास्टिक होती है, वो भी लिख लो चाहे, क्योंकि आप इसका लॉजिक समझ गए। तो मैं जितना मर्जी दाम बढ़ा दूं, फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला क्वांटिटी पर, मेरे डब्बे बिक जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो मोनोपोली का ये फीचर होता है। फिर इसके बाद कितने हो गए फीचर आपके? 3 हो गए ना। फिर उसके बाद है जी नंबर 4, मोनोपोलिस्ट हैज मार्केट पावर दैट इज चार्जिंग प्राइस अबव MC मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट के पास मार्केट पावर भी होती है, और मार्केट पावर कहने का मतलब है कि वो मतलब ऊंचे दामों पर भी प्रोडक्ट्स बेच सकता है, या यूं कह लो मुनाफे भी कमा सकता है, एबनॉर्मल ज़्यादा कमा सकता है। तो इसका बस इस तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं कि उसके पास क्षमता है या उसके पास मार्केट पावर है MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से भी ऊंचे दामों पर अपना सामान बेचने की। तो इसको बोल देते हैं मोनोपोलिस्ट हैज मार्केट पावर। उसके बाद नंबर 5, मोनोपोलिस्ट मे अडॉप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, है ना? तो वो अभी थोड़ी देर बाद अलग से आ जाएगा, लेकिन अभी आप ब्लॉक बना लो। तो ये एक ऐसा फीचर है जो इसे बिल्कुल अलग बनाता है मोनोपोली मार्केट को, क्योंकि ये फीचर और किसी में नहीं होता। तो मोनोपोलिस्ट में अडॉप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी आगे पढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और भेदभाव प्राइस के लेकर यानी कि प्राइस के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है कि मैं सेम प्रोडक्ट इन बच्चों को 10 रुपये में बेचूंगा और वही सेम प्रोडक्ट इन बच्चों को 100 रुपये में बेचूंगा। तो मैं सेम चीज़ को अलग अलग बाज़ारों में, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग दाम पर बेच सकता हूँ। तो मैं प्राइस को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ। उसके बाद नंबर छः, बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ये भी है कि ए मोनोपोलिस्ट कैन ऑल्सो इनकर लॉसेस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचो कि भाई मोनोपोली है तो बस अब तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मोनोपोली में भी लॉसेस मतलब हो सकते हैं। तो कैन लिखा है, तो कैन का मतलब है हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में तो कुछ भी हो सकता है, तो मोनोपोलिस को लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जैसे इंडियन रेलवेज का ही आप उदाहरण लो, तो वो भी कई साल लॉसेस में रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कंडीशन आप बताओगे क्योंकि अब आपको पता है। हाँ, तो लिख लो दोबारा से, तो इससे रिवाइज होता रहेगा बार बार। तो लॉसेज आते ही कंडीशन हो गई AR इज लेस देन AC, तो मोनोपोलिस जो है वो नुकसान में हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेवन जो है बेसिकली रिलेशन है ऑफ AR एंड MR। तो ये आपको एक
चित्र बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं। चलो तो इनका हम चित्र बना लेते हैं। एक पहले ये आर और एम तो ओरिजिन क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर ए आर और एम आर, तो दो कर्व बनाएंगे। चलो तो देखो इनकी मैं बातें बताता भी रहूँगा, फिर वही बातें बाद में लिखेंगे भी। ये दोनों ही कर्व एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, दोनों कर्व एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। जब दोनों ही कर्व एक बिंदु से शुरू होते हैं और दोनों ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर भाग गया या कांस्टेंट चला गया, नहीं, ये दोनों ही कर्व कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये दोनों कर्व नीचे आते हैं। तो पहले हम ए आर कर्व बना लेते हैं। तो ये है ए आर, एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व का मतलब कौन सा, डिमांड कर्व, है ना। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया। अब दूसरा लाल रंग से बना लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। वो भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये है कि भाई जैसे मान लो मैंने दो बच्चों को थप्पड़ मारे, अब एक बच्चा नीचे गिरा लेकिन वो धीरे धीरे नीचे गिरा, एक बच्चा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो एम आर भी नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन इसकी गिरावट ज़्यादा तेज़ रफ्तार से होती है, और इतनी तेज़ रफ्तार से होती है कि ये हमेशा ए आर से बिलो ही रह जाता है, और इनफैक्ट ये ज़ीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है ना। ये आपने बनाया था पुराने यूनिट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं पुराने यूनिट का, तो मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, तो क्या आप ये बता सकते हो कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होती है, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी वन। तो जब आपको इलास्टिसिटी और ए आर एम आर का रिलेशन लिखवाया था उसमें बताया था जब एम आर ज़ीरो होता है तब इलास्टिसिटी वन होती है, और जब एम आर पॉजिटिव होता है तो इलास्टिसिटी मोर देन वन होती है, और जब एम आर नेगेटिव होता है तो लेस देन वन होती है। तो वैसे ये यहाँ पे नहीं बनाना, लेकिन आपकी पुरानी नॉलेज टेस्ट कर रहा था जिसमें आप फेल हो गए, ठीक है। तो खैर, तो दोनों का रिलेशन अगर हम देखें तो दोनों एक पॉइंट से शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से कौन गिरता है, एम आर कर्व ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। और एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो हालांकि मेरे डायग्राम पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो है, वो ये कि अगर हम वाई एक्सिस से कहीं से भी जहाँ दिल करे वहाँ से एक पॉइंट मान लो मार्क करके ए आर तक लाइन खींच लें, कहीं से भी जहाँ से भी मन करे, मान लो आपका मन करा सर यहाँ बनाओ, तो आप वाई एक्सिस पर कहीं से भी अगर एक पॉइंट मार्क करके ए आर तक लाइन बनाओ, तो एम आर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उस लाइन को दो बराबर टुकड़ों में काट रही होती है। तो आपको ये बात मेरे डायग्राम पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मतलब मन से सोच लो कि ये हो रहा है। तो एम आर की जो लाइन है वो इन दोनों टुकड़ों को बराबर बराबर हिस्सों में काटती हुई चलती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो समझ गए कि क्या प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है ये क्या होगा, सेम होगा, बराबर होंगे, है ना। तो एम आर कर्व जो होता है वो इस लाइन को दोनों को बराबर टुकड़ों में काट देता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब तुम हंस रहे हो, तुम बनाना जरा, तुम्हारे में देखता हूं, ठीक है। तो भाई प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, तो चाहे वो किसी के डायग्राम में बने या ना बने अलग की बात है, तो हम ये बातें अब लिख लेंगे। चलो तो अब बन गया डायग्राम, ठीक है। तो बराबर नहीं कट रही, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। तो लिख लो, फर्स्ट एरो, ए आर एंड एम आर कर्व बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड। तो दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है, मतलब वही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा पॉइंट, एम आर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन ए आर कर्व एंड वाई एक्सिस। तो ये मतलब वो वाली बात हो गई जो किसी के डायग्राम पर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हमने मान लिया है।
कि एम आर कर्व जो है वो बिल्कुल आधे हिस्से में लाई करती है ए आर कर्व और वाई एक्सिस के, यानी कि वो उस लाइन को दो बराबर पार्ट्स में तोड़ देती है ना, प्रॉपर्टी है। और तीसरा ये भी आपको बताया था कि ए आर कर्व कैन नॉट बी ज़ीरो, ए आर ज़ीरो नहीं हो सकता, बट एम आर कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो एम आर में गिरावट जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो इसलिए ज़ीरो और नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन ए आर जो है वो ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होता। तो क्लियर हो गई बात? तो बस वो रिलेशन का ही फीचर था जो ये हमसे पूछ लेता है, पॉइंट नंबर 7। बस तो इसके फीचर जो हैं वो यही बेसिकली 7 फीचर्स थे। अब जो हैं वो सितारे वाले पॉइंट्स हैं अलग अलग। तो पहला सितारा डाल के लिखेंगे इक्विलिब्रियम। तो अब आपको मज़ा आएगा क्योंकि अब आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सब हमने पढ़ रखा है। तो इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या? बिल्कुल सही, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो क्या? बस तो हो गया ख़त्म टॉपिक। हाँ तो इसकी भी, चाहे मोनोपोलिस्ट भी क्यों ना हो, उसके लिए भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशन क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। इसमें दूसरी कंडीशन का कोई रोल नहीं होता, वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होता ज़्यादा रोल, आप मत बनाना चाहे डायग्राम, क्योंकि मोनोपॉली वाले का जो एम आर कर्व है वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एम सी कर्व तो यू शेप है, आपको पता ही है। तो इसमें तो पॉइंट ही एक है जहाँ पर वो कट करता है, तो इसमें तो आंसर हमें पता ही है कि यही है, एम सी इज इक्वल टू एम आर। परफेक्ट वाले में दिक्कत इसलिए थी, वो भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें एम सी तो चलो यही था यू शेप, चलो उसी डायग्राम पे बना के दिखा देता हूँ, एम सी तो वही था यू शेप, लेकिन एम आर जो था वो कॉन्स्टेंट होता था, तो वहाँ दिक्कत थी परफेक्ट में कि भैया दो जगह कट कर रहा है, तो सेकेंड कंडीशन बीच में आ गई। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन का कोई खास रोल नहीं है क्योंकि एम आर जो है वो दो जगह कट ही नहीं कर रहा होता, एक ही जगह टच कर रहा है, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाता है ना। तो हमको बस कंडीशन लिखनी है एम आर इज इक्वल टू एम सी। उसके बाद अगला सितारा, अगले सितारे का नाम है प्रॉफिट्स। तो ये भी आपको मज़ा आ जाएगा अब। तो इसमें आप वही बना लो 3 बातें। पहले में लिखना है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे में लिखना है नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरे में लिखना है लॉसेस। कंडीशन आप बताएंगे। वेरी गुड। तो ए आर ग्रेटर देन ए सी, नॉर्मल में ए आर इज इक्वल्स टू ए सी और लॉसेस में ए सी। बिल्कुल सही। तो मोनोपॉली वाले के लिए भी कंडीशन सेम है, तो इसीलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है या नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है या लॉसेस में भी हो सकता है, जो भी हो कंडीशन हमारी सेम ही रहेंगी। उसके बाद है जी अगला सितारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में एक दो बातें लिखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली वाला एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकता है, सिंस बताओ क्यों? वेरी गुड, क्योंकि वो अकेला सेलर है। तो इसी बात को मतलब थोड़ा सा घुमा के लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये वाला सेंटेंस दिया होगा जो मैं सिंस के बाद लिख रहा हूँ, कि सिंस
आउटसाइड एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज ब्लॉक्ड, क्योंकि कोई और तो आ नहीं सकता, इसमें कोई और फर्म तो एंटर कर नहीं पाती, तो ये अकेला ही होता है। तो ये अकेला होता है तो ये मज़े से बहुत मुनाफे कमाता है लॉन्ग रन के अंदर, या कमा सकता है लॉन्ग रन के अंदर। और दूसरी बात भी लिख लो, इन लॉन्ग रन कॉमा मोनोपोलिस्ट नीड नॉट प्रोड्यूस एट ऑप्टिमम लेवल, ब्रैकेट में ऑप्टिमम लेवल बताना कौन सा था, कौन सा था, हाँ दैट इज मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, ई पॉइंट वाला, याद आ गया वो जो पहले डायग्राम बनाया था, ई पॉइंट वाला, मतलब जिसमें LAC मिनिमम पे आता था, वो पॉइंट को हम कहते थे ना ये ऑप्टिमम पॉइंट है। तो मज़ेदार बात यह है कि मोनोपोलिस्ट का ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पे ऑपरेट करेगा। तो मोनोपोलिस्ट नीड नॉट प्रोड्यूस एट ऑप्टिमम लेवल, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, फुल स्टॉप। ही कैन प्रोड्यूस एट सब ऑप्टिमल लेवल ऑल्सो, उसका तो जहाँ मन करेगा वो वहाँ प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हो सकता है वो किसी दूसरे पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा हो, उसको बोल देंगे सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल का मतलब जो ऑप्टिमल नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो तो ये हो गया जी लॉन्ग रन वाला सितारा, इसमें दो ही बातें थी लॉन्ग रन में। उसके बाद अगला सितारा, ये एक चर्चा है वैसे तो, लेकिन सितारा भी है। हाउ डू मोनोपोली अराइज, ये है एक मतलब बढ़िया चर्चा का विषय। सब्जेक्टिव पेपर होता तो इस क्वेश्चन पर हम 100% लिखवाते हैं बच्चे को, क्योंकि ये तो पूछता ही पूछता है, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो इसीलिए ये बात सिर्फ चर्चा मात्र रह गई कि मोनोपोली अराइज कैसे होती है, मतलब अराइज का मतलब कि आखिर ये मोनोपोली बन कैसे जाते हैं कभी कभी, तो उसके कुछ कारण या कुछ बातें उससे रिलेटेड लिखनी है। तो सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है, समझने के लिए हाइपोथेटिकली ले रहा हूं कि मान लो मैं पंखा बनाता हूं फॉर एग्जांपल। अब पंखा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि भाई वो रॉ मटेरियल सिर्फ मुझे ही मिल सकते हैं और किसी को मिल ही नहीं सकते। तो अब ऐसे में तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगी, मोनोपोली। तो ये मतलब हो गया। तो कभी कभी मेरे पास रिसोर्सेज का एक अच्छा कंट्रोल होता है तो मैं अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये भी हो सकता है, मान लो मैंने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई, ऐसी मोटरसाइकिल का आविष्कार करा जो पानी से चल रही है, तो मैंने कहा कि भाई देखो ये तो मेरा आइडिया है, तो मैंने इस चीज़ को पेटेंट करवा लिया और सरकार ने मुझे अब अधिकार दे दिया कि अगले 15 साल तक ये पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल आप ही बनाओगे। तो अब ये अधिकार मिलते ही 15 साल तक क्या हो गया, मोनोपोली अराइज हो गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है मोनोपोली अराइज होने का, कि सरकार हमें कोई अधिकार दे रही है। हाँ, जैसे कोविड की वैक्सीन जिनको मिली उनको अधिकार मिल गया। तीसरा, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका ब्रैकेट में नाम लिख लो कार्टेल।
तो कई बार हम बिजनेस कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, मतलब मैं और आप, मान लो हम दो फर्म्स हैं मार्केट में, है ना, तो हम दोनों आपस में ही मिल जाते हैं, हम कहते हैं हम दोनों एक हो जाएंगे और दोनों जने मिलकर एक तरह से फिर पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, अमैलगमेशन कह सकते हो आप, लेकिन अमैलगमेशन वर्ड को हम अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो फिर अकाउंटिंग में चेंज हो जाएगा। तो आपको एक वर्ड ही बस अपनी जुबान से निकालना है, कार्टल। तो कार्टल मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बना लिया जो पर्दे के आगे तो लोगों को लगेगा कि ये अलग अलग है, ये कंपनियां अलग अलग हैं ना, तो अमेलगमेशन में यही फर्क हो गया। अमेलगमेशन तो हम खुल्लाम बोलते हैं, भाई हम दोनों मिल गए, लेकिन इसमें हम खुल्लेआम नहीं बोलेंगे कि हम मिल गए। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो पेप्सी और कोका कोला, तो आपको तो यही नज़र में आता ना, भाई बिल्कुल पक्के राइवल्स हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों मिलकर एक यूनिवर्सल मोनोपोली की तरह आपको ही बेवकूफ़ बनाते हैं दोनों जने मिलकर। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कार्टल हो सकते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो कार्टल मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन। तीसरा, चौथा सॉरी पॉइंट, एक्सट्रीमली लार्ज स्टार्टअप कॉस्ट्स, ये इसमें दिक्कत है एक। अब आप सोचो कि चलो सर हम अपनी रेल पटरियां लगाएंगे या हम भी अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, तो इसमें आपका खर्चा स्टार्टिंग स्टेज पर ही इतना ज़्यादा आएगा कि मतलब 10 में से 9 लोग तो वैसे ही नहीं सोचेंगे करने की। तो मोनोपोली वहाँ पे ऑलरेडी ही क्रिएटेड रहेगी क्योंकि इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी एक दिक्कत बन गई। और पांचवा, फर्म में यूज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस लाइक प्री डेटरी या ऑब्लिक करके लिमिट प्राइसिंग। कई बार कुछ फर्म्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस मतलब कि हम अपने कंपटीशन को आने ही नहीं देते, यानी कि अगर हम किसी मार्केट में हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को आने ही नहीं दे रहे, और उसके लिए हम गलत हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। तो गलत हथकंडा कौन सा है, सुनो मेरे भाई, गलत हथकंडा है प्रीडेटरी प्राइसिंग या लिमिट प्राइसिंग। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग या लिमिट प्राइसिंग का मतलब ये है कि भाई मुझे मान लो पता है कि जो पंखा मैं बना रहा हूँ, इस पंखे को बनाने में मैंने पूरी रिसर्च कर ली कि भाई कम से कम 80 रुपये का खर्चा आएगा, मान लो मैंने ये रिसर्च कर ली। अब मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि नहीं तो आप भी पंखा बनाने आ जाओगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो अब मैं ये बाज़ार में पंखे 78 रुपये में बेचना शुरू कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, कुछ दिन 2 रुपये का नुकसान सह लेंगे, लेकिन जब बाज़ार में मैं ही 78 का बेचना शुरू कर दूंगा तो आपकी तो हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि जब आप सोचोगे भी पंखा बनाकर बिजनेस शुरू करने की और आप अपना निकालोगे कि भाई क्या कॉस्ट आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि यार हमारी तो कॉस्ट 80 आ रही है, और अब मुनाफा लगा के अगर बेचेंगे 90 का तो हमारा पंखा कौन खरीदेगा, क्योंकि पहले से तो सर वैसे ही 78 का बेच रहे हैं। तो मैं प्राइस ही ऐसा सेट कर देता हूँ, मैं दाम ही वो चार्ज करता हूँ कि आपको मैं हिम्मत ही नहीं दूंगा आने की, आप मेरा प्राइस देख के डर के भाग जाओगे कि भाई ये बेकार हो गई बात। तो ये हो गई प्रीडेटरी प्राइसिंग या लिमिट प्राइसिंग। तो ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। तो अगर आपको इसमें लगता है कि सर आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, तो फिर आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो, है ना। कॉम्पिटिशन एक्ट होते हैं जो आप बातें में पढ़ोगे सीए के अंदर लॉ में, तो कॉम्पिटिशन एक्ट्स में ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ों को रोका जाता है। तो ये गलत कर रहा हूँ ना मैं इनडायरेक्टली आपके साथ, आपकी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है। तो मतलब ये सब बातें हैं जिससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सितारा, ये है आपका सबसे मेन सितारा, तो इसका आप नाम लिख लो। इसका नाम है जो हमने छोड़ दिया था ना वो एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें लिख लो फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स तो खैर बस थ्योरेटिकल बात है, ज़्यादा इसमें कोई एनालिटिक्स नहीं सोचनी, तो नॉर्मल बातें हैं। जैसे पहला लिख लो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, मैं फॉरेन मार्केट्स में भी अपना सामान बेचना चाहता हूँ या उसको कैप्चर करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। या टू इन्जॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या ऑब्लिक करके डिस्पोज एक्सेस स्टॉक। तो कई बार मैं अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा रखना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आपने पढ़ा था ना कि जब हम प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हैं तो शुरू शुरू में हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फ़ायदा मिलता है। तो कई बार मतलब मेरे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिस वजह से मैं डब्बे भी बना रहा हूँ ज़्यादा, और मैं अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। मैं पैसे भी ज़्यादा कमाना चाह सकता हूँ, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाह सकता हूँ, फॉरेन मार्केट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये वैसे अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो हर पॉइंट आपको बिल्कुल अपने आप ही समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब किया जा सकता है, वो पॉसिबल कब है। तो लिखो डैश डाल के पहली बिंदी। हाँ तो अभी लिखते हैं, जैसे पहला है कि मोनोपोली मस्ट एग्जिस्ट। भाई पहली बात तो ये कि ये भेदभाव तभी हो सकता है जब मोनोपोली हो। अगर मान लो मार्केट में दो चार लोग और सामान बेचने वाले हो गए तो फिर मैं ये चालाकी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो आप किसी और से खरीद लोगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भाई मोनोपोली होनी चाहिए, तो मान लेते हैं मेरी मोनोपोली है। दूसरा, सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट। मुझ में ये क्षमता भी होनी चाहिए कि मैं मार्केट को डिवाइड कर सकूं। मार्केट को डिवाइड करने का मतलब है कि भाई मैं ये, मेरे पास ये क्षमता हो कि मैं इन बच्चों को अलग कर सकूं और इन बच्चों को अलग कर सकूं। मान लो सारे एक साथ आ गए, एक टाइम पे मेरी दुकान पे खड़े हो गए, तो मैं मुंह पे तो नहीं बोलूंगा भाई तुम्हें 100 का दूंगा तुम्हें 10 का, ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा ना मैं। तो मेरे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं इस मार्केट को अलग कर सकूं, इस मार्केट को अलग कर सकूं, तो मैं मार्केट को डिवाइड कर पाऊं, इतनी मेरे में क्षमता होनी चाहिए, तब मैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर पाऊंगा, है ना। इसी तरह तीसरा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से तो बस यही एक मुद्दे का पॉइंट है, इस पे आप स्टार लगा लो कि प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। और चौथा पॉइंट लिख लो, नो मार्केट आर बी ट्रेज नो मार्केट आर बी ट्रेज। तो पहले लास्ट वाला समझा देता हूँ क्योंकि ये इजी है, फिर मैं स्टार पॉइंट पे आऊँगा। तो नो मार्केट आर्बिट्रेज का मतलब है कि भाई मान लो, अब देखो पूरी स्टोरी ध्यान से समझते हैं, कि मान लो मेरे मार्केट है, मैंने इस मार्केट के दो टुकड़े कर लिए, मेरे में क्षमता है कि मैंने दोनों मार्केट्स को अलग अलग कर लिया, तो अलग अलग मार्केट्स को कह सकते हैं सब मार्केट। तो एक है सब मार्केट ए, एक है सब मार्केट बी, तो मान लें ये बच्चे ए हैं, वो बच्चे बी हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो ए वाले बच्चों को मैं 10 रुपये का बेचूंगा, यहाँ पर प्राइस 10 रुपये लूँगा अपने प्रोडक्ट का, और बी वाले बच्चों से मैं ज़्यादा लूँगा,
मान लो मैंने 100 रुपये सोचा, ठीक है ना, तो मार्केट आर्बिट्रेज किसे कहते हैं। अब मान लो मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, तो अब एक बच्चे को पता चल गई मेरी ये चालाकी मान लो, और वो बच्चा शातिर निकला, वो पहले ए मार्केट में गया और यहाँ से 10 रुपये का खरीद के लिए आया, और उसको पता है कि बी मार्केट में तो ये 100 का बिकता है, तो वो बी मार्केट में 100 का बेच आया। तो मान लो ये मेरी चालाकी किसी बच्चे को पता चल गई, तो बच्चे ने क्या करा, इन बच्चों ने कि इनसे खरीद लिया 10 रुपये में, और उनको कह दे भाई सर से मत खरीदो, हम तुम्हें दे देंगे 100 का या 90 का। तो इसका मतलब ये लोग बीच में क्या कर रहे हैं, इसे बिचौलिए को क्या बोलते हैं, मतलब आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेजर। तो खैर आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर, ट्रेडिंग का मेरा मतलब है चाहे शेयर मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, करेंसी हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये आर्बिट्रेजिंग करने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है। और क्रिप्टो करेंसी में ये आर्बिट्रेज अभी सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मार्केट्स में रेट अलग अलग होते हैं। अगर आप बिटकॉइन का रेट चेक करेंगे तो किसी ऐप में कम होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये आर्बिट्रेज बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे NSE और BSE दोनों में ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहा होता है, ऑलमोस्ट। कभी कभार होता है 5-7-10 पैसे का फ़र्क हो, तो जितनी देर में आप 5-10 पैसे के फ़र्क के चक्कर में यहाँ खरीदा वहाँ बेचा करने लगे, तो वो फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो खैर इस चीज़ को बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का मतलब समझ गए कि क्या होता है, ये होता है। तो हमारी अजम्पशन ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, नो आर्बिट्रेज, तो ये हटा देते हैं आदमी। तो मतलब ये है कि मेरी चालाकी चलती रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो नो आर्बिट्रेज। तो समझ आ गया। तो तीन बातें तो सिंपल हो गई। अब ये स्टार पॉइंट जो है वो आप हाईलाइट कर लो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें पहले 4 वर्ड्स आप हाईलाइट कर लो कि प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। सारा खेल इसी पर बेस्ड होता है। तो अब ये आप इसी एग्जांपल से ध्यान से सुनना। बताओ मैं सेम प्रोडक्ट आप बच्चों को 10 रुपये में बेच पा रहा हूँ, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट आपको 100 में बेच पा रहा हूँ, क्यों? वो कह रहा उन्हें पता नहीं, आप बेवकूफ हो, ऐसा ये कह रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैं इसका एग्जैक्ट रीज़न बताता हूँ जो हमारे इस पॉइंट में वो कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, मुझे पता है कि ये वाले जो बच्चों का मार्केट है, मतलब आप बच्चों का जो मार्केट है, आपके लिए ये प्रोडक्ट खरीदना मान लेते हैं बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। मान लो मुझे पता है इनकी ज़रूरत है, आपकी मुझे पता है ज़रूरत नहीं, आप तो शौक में खरीद रहे हो, तो आपकी इलास्टिसिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको ज़्यादा का बेचने की कोशिश करूँगा तो आप कहोगे छोड़ो सर हम नहीं खरीदते, लेकिन मुझे पता है कि इन बच्चों के लिए आपके लिए ये प्रोडक्ट नेसेसिटी है, आपकी इलास्टिसिटी कम है, आप नहीं चेंज कर पाओगे, तो मैं इसीलिए आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब दोनों सब मार्केट्स में इलास्टिसिटी क्या हो, अलग हो। तो इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन उनको मैं एक्सप्लॉइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी कम है। तो ये बात हम अब इसी एग्जाम्पल में नीचे लिख लेते हैं। तो जहां मैं प्राइस कम चार्ज कर रहा हूं, तो वहां पर एक तरह से क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी हाँ ज्यादा है, इज इलास्टिक, या ब्रैकेट में लिख सकते हो ईडी ग्रेटर देन 1। यहां मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको 10 रुपये में ही बेच रहा हूं। मुझे पता है अगर मैंने बोल दिया 20 का है सामान तो आप भाग जाओगे, लेकिन उधर के मार्केट में यहाँ तो मजबूरी है इन बच्चों की, यानी कि इस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी हाँ इन इलास्टिक है, यानी कि लिख लेते हैं ईडी लेस देन 1 है। तो मुझे पता है कि भाई आप नहीं चेंज करोगे डिमांड, आपकी मजबूरी है खरीदना, तो मैं आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लूँगा। तो मैं ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि दोनों सब मार्केट्स की इलास्टिसिटी अलग है। मान लो आपकी भी इलास्टिक होती तो फिर आपको भी भाग जाते, फिर थोड़ी ना मैं आपको 100 का बेच पाता। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अलग अलग मार्केट्स में इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। अब इसी से एक सवाल बना दिया था उसने एग्जाम में कई बार, उसने ये पूछ लिया कि मोनोपोलिस्ट जो है हायर प्राइसेस कहाँ चार्ज करेगा,
तो बताओ, आप बताओ जहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो बच्चा कई बार ये बात मतलब या तो समझता नहीं है, याद नहीं करता, तो वो उल्टा आंसर लिख देता है। वो कह देता है कि प्राइस जहाँ ज़्यादा चार्ज होंगे, जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो गलत हो जाएगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में मैंने ज़्यादा प्राइस कहाँ चार्ज करा, जहाँ इलास्टिसिटी कम है। तो ये आप लिख लो चाहे स्टार डाल के, कि हायर प्राइसेस वेयर डिमांड इज इनइलास्टिक, यानी कि जहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि इलास्टिसिटी कम होगी, वहाँ मैं ज़्यादा दाम चार्ज करूँगा। तो ये मोनोपोलिस्ट की बेसिकली बन गई, कौन से पॉइंट था ये, कौन सा एरो था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मे रिलेट टू, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मे रिलेट टू, तो तीन बातें लिखनी है। टाइम, हो सकता है मैं समय के आधार पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। अब ये बच्चे रात को आए दवाई लेने या रात को आए प्रोडक्ट लेने, तो मुझे पता है अब इनके लिए इमरजेंसी है, तो मैं ज़्यादा समय के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करूँगा। आप दिन में आए हो तो मुझे पता है कि दिन में मैं आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बाकी दुकानों में आप चले गए, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टाइम से रिलेट कर सकता है, या बी साइज ऑफ परचेज, कि भैया आप कितने डब्बे खरीद रहे हो। आपने कहा सर हम एक ही डब्बा खरीदेंगे, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि फिर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। लेकिन आपने कहा सर हम 1,00,000 डब्बे खरीदने आए हैं, तो मैं आपसे कम चार्ज कर लूँगा। तो मतलब मैं आपसे भेदभाव कर सकता हूँ आपके परचेज के साइज के अनुसार। और सी, मतलब वैसे तो एटसेट्रा एटसेट्रा भी है, लेकिन तीन लिख लेते हैं, काफ़ी है हमारे लिए एटसेट्रा। इनकम, अब मान लो इधर से मुकेश अंबानी साहब आते हुए दिखे मुझे अपनी गाड़ी से उतरते हुए, तो मैं बोलूँगा भाई मेरा प्रोडक्ट 1 करोड़ का है ना, तो मैं आपकी इनकम के हिसाब से भी भेदभाव कर सकता हूँ या प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ। तो मतलब बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद है लास्ट एरो इसका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, बस। तो फिर मोनोपोली भी ख़त्म और मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी पॉइंट ख़त्म। तो इस पर आप लिख लो 100% और रट्टा, तो घर से आपको रट के जाना है। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई कितनी डिग्रीज हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो मैंने अगर आपको मतलब थप्पड़ मारा, तो कितनी तीव्रता से वो थप्पड़ आपको लगा, तो या तो कम लगा, हल्का सा लगा, मीडियम लगा, बहुत तेज लगा, तो मतलब डिग्री भी हो सकती है। तो इसी तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की भी डिग्री हो सकती है। और ये उल फिजूल बात करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, नहीं अब हर जगह एल्फ्रेड मार्शल, मतलब बेचारा मार्शल कहेगा यार मेरी, हाँ मेरी ज़िंदगी बेकार बना रहे। AC पिग्यू, ये भी थे, ये भी एक ऑथर थे, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी परिभाषाएं दे रखी हैं काफ़ी। AC पिग्यू, तो पिग्यू साहब का कहना था कि भैया तीन तरह की डिग्रियां होती हैं। फर्स्ट डिग्री, तो इसमें आप दो लाइन छोड़ लो। सेकंड डिग्री, इसमें भी आप दो लाइन छोड़ लो। और थर्ड डिग्री, इसमें भी आप चाहें दो लाइन छोड़ लो। तो फर्स्ट डिग्री में लिख लो भाई, डैश डाल के, फर्स्ट डिग्री में प्राइस इज सच दैट इट टेक्स अवे, price is such that it takes away, फिर बस जो अगला वर्ड है वो की वर्ड है, बस वो रट के घर से जाना है मेनली, दो और आपका MCQ ठीक हो जाएगा। entire, तो entire का मतलब है सारा, सब कुछ,
तो प्राइस इज सच दैट इट टेक्स अवे एंटायर कंज्यूमर्स सरप्लस, यानी कि मैं ऐसा दाम चार्ज कर रहा हूं आपसे, ऐसा दाम चार्ज कर रहा हूं आपसे कि आपका सारा कंज्यूमर सरप्लस मैंने हड़प लिया, मतलब आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, मतलब जितना एक्सप्लॉयट हो सकता है मैक्सिमम उतना मैंने आपको कर लिया एक्सप्लॉयट, तो मैं आपसे ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा हूं। तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री। फिर सेकंड डिग्री में लिख लो कि भाई प्राइस इज सच दैट इट टेक्स अवे, फिर उसके बाद आपको घर से क्या रट के जाना है, ये वाला हाइलाइटेड पॉइंट, प्राइस इज सच दैट इट टेक्स अवे ओनली पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। तो इस बार मैंने आप पे थोड़ा सा रहम खाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्राइस ज़्यादा नहीं चार्ज करेंगे, थोड़ा कम चार्ज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपका सरप्लस ही मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको छोड़ दिया है ना, ताकि आप कल भी दोबारा लुटने आ जाओ। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर सरप्लस का थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं। और थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या, थर्ड डिग्री की कहानी अलग ही होती है। तो इसमें पहले एग्जांपल लिख लो, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तो खाए होंगे आपने, कितने रुपए के मिलते हैं, और सड़क किनारे 10 रुपए के, तो लिखो पॉपकॉर्न इन सिनेमा हॉल। तो अब इसकी कहानी लिखो तो आप समझ जाओगे थर्ड डिग्री क्या है। प्राइस वेरीज बिकॉज ऑफ के बाद आएगा कीवर्ड, और वो कीवर्ड है लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट एटसेट्रा, है ना। तो आप समझ ही गए, लोकेशन के आधार पे भेदभाव हो गया। तो वही पॉपकॉर्न सड़क किनारे 10 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन आपने अगर लोकेशन चेंज कर ली, आप सिनेमा हॉल पहुंच गए, तो फिर वो आपको पता ही है कितने के मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हो गया थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलो तो इसको आप बंद कर सकते हैं। तो ये था पूरा मोनोपोली का कार्यक्रम। तो डन डना डन, डन।